जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात हुई। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले हैं मुख्यमंत्री। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी का बयान भी सामने आया। राजनीतिक तैयारियों पर चर्चा हुई है, ये सीएम कहते हुए नजर आए। बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी ने ओबीसी समाज को सबसे बड़ा सम्मान दिया। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, सीएम ये कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में हरियाणा बीजेपी ने बैठक की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात भी हुई है और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो ये बैठक थी, राजनीति की तैयारियों पर चर्चा की गई है, किस तरीके से चुनावों में रणनीति बनाई जाए और चुनावों में किस तरीके से कौन से मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बयान में कहते हुए नजर आए हैं। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और दूसरी तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान से भी उन्होंने मुलाकात की है। चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने मुलाकात की गई है। और साथ ही बता दें कि लगातार बैठकों का दौर बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। केंद्र की बात की जाए या फिर राज्य सरकारों की बात की जाए, विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई थी और जहां पर ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी का बयान भी सामने आया। विधानसभा के चुनाव को लेकर के मैं आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और हमारे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी नेताओं से आज मैं मिला और हरियाणा की जो आगामी विषय हमने कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है, उन सब बातों को लेकर के आज चर्चा हुई है, उनका मार्गदर्शन लिया है। और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे अभी 100 गज के प्लाट उनके कागज और कब्जा देने का काम भी किया है, ऐसे 70,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की जो सम्मान भत्ता है वो भी लगाने का काम हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक क्लिक के अंदर किया है। सबसे बड़ा सम्मान जो ओबीसी को दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर लगातार राजनीति की है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को अधिकार देने के लिए उनका शोषण किया है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज का वोट लेकर के उनको कोई सुविधा नहीं दी है और उल्टा उन्होंने उसका विरोध किया है कि ओबीसी समाज को एक वोट बैंक समझ करके उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक किया है। मोदी जी ने आकर के ओबीसी आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियां दी। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए कल जो ये बैठक हुई है, फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ रहा है, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल अविष्का, देखिए कल दो मुलाकातें कह सकते हैं कि सीएम के द्वारा किया गया है। सबसे पहली मुलाकात जैसे वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जिसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी कि कई मुद्दों को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से लेकर के तमाम जितने भी मुद्दे हैं उन सभी चीजों को लेकर के उसमें डिस्कस किया गया होगा और काफी लंबी हम कह सकते हैं मुलाकात हुई थी। करीब 1.25 घंटे के आसपास ये मुलाकात हुई थी, जिसके बाद फिर देर शाम उन्होंने फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और काफी लंबी वो भी मुलाकात चली थी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर किया जानकारी दी थी कई मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को लेकर के डिस्कशन भी हुए हैं, साथ ही मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। तो हम भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए या बीजेपी हरियाणा की बात की जाए तो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि एक रोडमैप तो बिल्कुल तैयार किया ही जा रहा है कि किस तरीके से क्या कामकाज रहने वाला है, क्या रणनीतियां रहने वाली है,
साथ ही बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारियां की जाएगी जिस तरीके से, जिस तरह से पंचकुला में देखा गया था कि मार्गदर्शन दिया था, उत्साहित किया था पार्टी वर्कर्स को, उसी तरीके की चीजें यहाँ भी देखने को मिलेगी जब गृह मंत्री अमित शाह कहा जा रहा है कि हरियाणा दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से कल की मीटिंग की अगर बात की जाए, कल भी सीएम कहते हुए नजर आए हैं कि राजनीति को लेकर चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर भी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इससे पहले भी अमित शाह जो है हरियाणा दौरे पर रहे, उस वक्त जैसे कि आपने बोला कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी, कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक मूल मंत्र देते हुए नजर आए। इस बार फिर से सीएम कहते हुए नजर आ रही है कि एक बार फिर से 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, पर गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे ये तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ये चीज कही है कि सलाह मशवरा करते हुए फिर ये डिसीजन लिया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को वो गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तो तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव से पहले हरियाणा दौरे पर रह सकती हैं अमित शाह। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, और इससे पहले भी वो हरियाणा का एक बार दौरा कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने मीटिंग ली, उनको चुनावी जो विधानसभा चुनाव आने हैं उसको लेकर भी मूल मंत्र देते हुए नजर आए। और देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में भी हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम ने मुलाकात की, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी सीएम ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राजनीति को, राजनीतिक तैयारियों को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई है।